यूपी टेट के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज 2017 की साल पेपर जो है आप लोगों को करवाया जाएगा हिंदी की। बात करते हैं हिंदी की, हम आज हिंदी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाए जाएंगे जो कि यूपी टेट एग्जाम में 2017 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निमिष शब्द का पर्याय है, तो निमिष शब्द का जो पर्याय होता है वह होता है क्षण। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है, तो इसमें जो है मुझसे उठा नहीं गया यह वाक्य जो है भाववाच्य वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिसकी पुरुष से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक ही शब्द है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है, तो गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है वह होता है गेहूं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है निधन कपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुग्रहित शब्द की वर्तनी सही है, बाकी सब गलत है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, अपेक्षा का विशेषण रूप जो है अपेक्षित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान भैया होता है तालु। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग होता है, अत्यंत का प्रयुक्त उपसर्ग होता है अति। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि उपत्यका का अर्थ है, तो उपत्यका का अर्थ जो होता है पर्वतों के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंग का उच्चारण स्थान होता है, तो अंग का उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है नासिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो चार गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार गज मलमल की बात है। अगला प्रश्न आपका, शीश का तत्सम रूप क्या है, तो शीश का जो तत्सम रूप होता है वह होता है शीर्ष। ऑप्शन नंबर 2। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा में जो है द्विगु समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है कि कष्टदायक होना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है वह होता है आंसू भाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, बहुत ही जी प्रश्न है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है आपका, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति जगनिक जी की है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है, सूरसागर जो है ब्रजभाषा की रचना है। वीरो का कैसा हो बसंत यह कविता जो है किसने लिखा है, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा मानक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है, परमाल रासो। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो दिया है, निर्देश है कि प्रश्न संख्या 56 से 60 दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। आदि मारे घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, भटकते रहते, वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने निर्धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ था, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया।
35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु तक जब तक उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्कने चारी गहे भिक्षुओं भूमकड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को वचनों को सिराखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए, शंकराचार्य के प्रश्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु मात्र 35 वर्ष की थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का जो है वैदिक धर्म होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज आप लोगों को यूपी टेट हिंदी के लिए जो है 30 प्रश्न इंपोर्टेंट बताए गए हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।